तो दोस्तों मैं हूं आज अमृतसर में और ये देखिए अजीत नगर की चौपाटी मार्केट है। यहाँ पे काफी तरह के काउंटर लगे हैं और ये आपको मार्केट नहीं लगेगी, चौपाटी मार्केट नहीं लगेगी, ये आपको रेस्टोरेंट जैसे ही फील कराएगी। ये देखिए यहाँ पे पहला काउंटर है निखिल वेज चाप का, ये देखिए ये निखिल वेज चाप वाले हैं। ये देखिए इनके पास सवा चाप है। आज क्या क्या बना रखा है आपने? पनीर टिक्का है, मशरूम टिक्का है, मशरूम टिक्का है, रोस्टेड चाप है, अचारी चाप है, हरियाली चाप है, अच्छा जी मसाला चाप है, काफी आइटम है भैया के पास। और भैया जितने हैंडसम है ना उससे ज्यादा इनका फूड का टेस्ट है। तो चलिए भैया से आगे बात करेंगे। ये देखिए ये इनका काउंटर देख लीजिए और साथ में है पाव भाजी का काउंटर, ये देखिए इनसे भी बात करेंगे। क्या हाल है भैया जी? भैया जी क्या बना रहे हो? पाव भाजी है। अच्छा जी, और मार्केट कौन सी पड़ती है अपनी? ये अजीत नगर मार्केट, रेडी मार्केट, अजीत नगर मार्केट है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे लगाते? 4-5 साल हो गए। ये देखिए 4-5 साल हो गए हैं और ये बना रहे हैं पाव भाजी और ये इनके पाव पड़े हुए हैं। सेकंड रेडी है ये यहाँ पे मार्केट में, जो आपको मार्केट दिखेगी पूरी रेस्टोरेंट जैसी। ये देखिए ये मार्केट का व्यू है, काफी काउंटर है यहाँ पे, ये सामने सूप लगा हुआ है। इससे भी आएंगे, पहले भैया से बात करेंगे। ठीक है भैया जी, आज आपकी पाव भाजी टेस्ट करेंगे, बट ज्यादा नहीं, अकेला हूँ उसके नहीं डाल सकता। ये देखिए हमारे सरदार जी, अंकल जी आते हैं यहाँ पे खाने। अंकल जी क्या हाल है? बहुत बहुत फर्स्ट क्लास जी, आते रहते हो आप यहाँ पे? हाँ रोज ही आता हूँ। रोज ही आते हो? ये देखिए अंकल जी रोज आते हैं, पंजाबी अपने खाने के लिए बहुत शौकीन है। चलिए अंकल जी करते हैं बात आपसे। क्या हाल है भैया, क्या बना रहे हो भैया जी? इसको पकड़ लो, क्या क्या बना रहे हो? मंचूरियन बना रहे हैं, ड्रैगन रोल बना रहे हैं, स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, बर्गर बना रहे हैं इनका। ये देखिए इनकी आइटम लगी हुई है, आप भी यहाँ पे जरूर विजिट करिए। अमृतसर में ही है अजीत नगर की चौपाटी मार्केट। आज का फूड एंड वॉक, ये देखिए यहाँ पे बड़े हैंडसम से भैया जी हैं जो बना रहे हैं डोसा। ये देखिए इनसे आज पिज्जा डोसा ट्राई करेंगे। अभी कौन सा डोसा लगा रहे हो भैया जी आप? मसाला डोसा। अभी मसाला डोसा बना रहे हैं भैया। ये देखिए ये इनका फोर्थ वाला काउंटर है, रामराज साउथ इंडियन। और ये देखिए यहाँ की वाइब चेक करिए आप, लगेगा। चलो भैया जी कितना टाइम हो गया आपको काम करते यहाँ पे? यहाँ पे हमको हो गए 6 साल। 6 साल हो गए हैं भैया जी को। और कितनी पुरानी मार्केट है ये? इसको हो गए करीबन 7 साल हो गए। अभी 3 साल से डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा अच्छे से बना है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं कौन सा काउंटर है भैया। ये देखिए कस्टमर आए हुए हैं यहाँ पे काफी। स्प्रिंग रोल बना रहे हो? ये देखिए ये यहाँ पे 5 वाला काउंटर है, 6 नंबर पे है और ये बना रहे हैं रोल। और क्या क्या बना रहे हो भैया आप? नूडल, बर्गर, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, ड्रैगन रोल, चाइनीज का पूरी आइटम आपको इनके पास यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए अभी रोल रेडी कर रहे हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत श्रीकाल भाजी, भाजी क्या काम है अपना? अच्छा शेक्स का काम है अपना। ये देखिए शेक्स का काम है इनका, फूड एंड वॉक अपने चैनल का नाम है। ये देखिए ये भाई यहाँ पे बना रहे हैं शेक। और सर अपने पास शेक्स हैं वगैरह, अच्छा ब्लैक करंट वगैरह, मजीटो वगैरह, सारे शेक्स अवेलेबल हैं जो भी। देखिए इनके पास यहाँ पे हर तरह का आपको शेक मिल जाएगा, मोजीटो मिल जाएगा, आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। ये इनका मेनू कार्ड है, ये देखिए। तो चलिए अपने आगे वाले काउंटर पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है भाजी ट्राई करते हैं आपके पास आके अभी। ये देखिए ये मार्केट है यहाँ की। कैसे हो भैया? बढ़िया जी बढ़िया। अपने पास क्या क्या आइटम है? अपने सूप है जी, नौ तरह का जी। अच्छा जी, मिक्स वेज, मशरूम, चना, टमाटो, अच्छा स्वीट कॉर्न, थोड़ा माइक ऊपर, मंचाओ, स्वीट कॉर्न, मशरूम चना, मशरूम मिक्स वेज। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे लगाते तू? मेरे को अभी 2 दिन ही हुए हैं सर। अच्छा 2 दिन हुए हैं, ये नई दुकान ओपन हुई है यहाँ पे। ये देखिए इस दुकान का नाम भी है सूप के नाम से, नो फ्रोजन ओनली फ्रेश वेजिटेबल का सूप आपको यहाँ पे मिलेगा भैया के पास। भैया जी क्या नाम है अपना? राकेश कुमार जी। जी राकेश कुमार जी के पास, इनके भी पास आज हम सूप ट्राई करेंगे। नई नई दुकान ओपन हुई है, आप यहाँ पे जरूर विजिट करिए और इनके पास टेस्ट करके जरूर जाइए। और यहाँ पे आगे क्या रेडी हो रहा है? ये भी आपका ही है? अच्छा ये अलग है। ये देखिए यहाँ पे है अपने मोमोज रेडी हो रहे हैं। भैया जी क्या बना रहे हो आज? सर मलाई चाप बना के खिला रहे हैं। ठीक है जी मलाई चाप बना रहे हैं आज, ये ट्राई करते हैं और नेक्स्ट काउंटर से पूछते हैं क्या बना रहे हैं। माइक दे देना भैया। ये देखिए इनके पास पाव भाजी है, यहाँ से पाव भाजी आएगी। और थर्ड काउंटर से हम कुछ खाएंगे नहीं चाइनीज का, और फोर्थ काउंटर है। भैया जी क्या बना रहे हो आज? हम आपके लिए बना रहे हैं पिज्जा डोसा।
ये देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, पर डोसा अच्छा लगेगा। तो चलिए अब अगले काउंटर पे जाते हैं, वहाँ से पूछ लेते हैं क्या रेडी होगा। बटर स्कॉच शेक रेडी कर रहे हैं पाजी, इसके आगे चीज और चीज आ रही है अमूल की, ये देखिए ये लिक्विड चीज आ रही है पीता डोसा के ऊपर। ये देखिए ये कस्टमर का रेडी हो रहा है पनीर डोसा, ये देखिए इसका प्राइस क्या भैया? 100। ये देखिए 100 का है पनीर डोसा, आप भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके। ये देखिए और अपना है तवे पे, अपना भी ऑलमोस्ट रेडी है, प्लेट आ गई है अपनी। ये देखिए, ये देखिए पिज्ज़ा का स्लाइस, ऐसा पिज्ज़ा डोसा आपने अमृतसर में शायद ही कभी खाया हो, अगर खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये चेक करिए सेकंड स्लाइस आ गई अपनी पिज्ज़ा डोसा की, और चीज़ देखिए कैसे भर भर के डाला भैया ने। ये आ गई थर्ड स्लाइस और साथ में है सॉसेज नारियल है, टमाटो है। ओके ये अपना आ गया, ये सांबर और ये रेडी है अपनी, ये आपका पिज्जा डोसा रेडी। ये देखिए पिज्जा डोसा रेडी है अपना, ये देखिए ये अपनी लग रही है मलाई चाप, और यहाँ से दिखा देते हैं आपको अंदर से, फिर चेक करिए अंकल जी की, अंकल जी टोक ले रहा है, ये है मलाई चाप, मलाई चाप। ये देखिए ये अंकल जी की मलाई चाप, और अंकल जी देखिए ये अपनी चाप रेडी हो रही है। चलो भाजी आपको साथ आना पड़ेगा आज, चलो। तो ये देखिए मेरे साथ है चौपाटी मार्केट के ओनर, और इन्होंने बनाया है पिज्जा डोसा, ये देखिए आज पहला व्लॉग है जो मैं खुद से बना रहा हूँ, अकेला बना रहा हूँ, तो वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी, बट इग्नोर करिए। और आप चेक करिए डोसा जो ट्राई कर रहे हैं, ये देखिए डोसा कम पिज्जा ज़्यादा है, इसकी बनवाया है पिज्जा डोसा, ट्राई कर सकते हैं निखिल पाजी से। ये सेकंड वाले पाजी हैं हमारे जिनकी चाप है, चाप तो मैं से रेगुलर खाता हूँ, काफ़ी टेस्टी रहती है, कभी मैं इनके पास ही आता हूँ। और ये हमारा है सूप, ये चेक करिए, ये देखिए ये है सूप इनका, 50 रुपये में आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, हमने ट्राई किया आज इनका मिक्स वेज सूप, ये चेक करिए बहुत बढ़िया पाजी। ये देखिए लास्ट काउंटर से हमने ट्राई किया है बटर स्कॉच शेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बनाया है, काफ़ी थिक है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फूड है मार्केट का अजीत नगर चौपाटी मार्केट का। तो मैं तो आज आ गया हूँ, अब आपकी बारी है, अगर आप भी अमृतसर से हो या अमृतसर आ रहे हो तो इनके पास आके फूड ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं लेके आता हूँ आपके लिए ऐसे बहुत लोग। चलिए टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना।